हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 34 साइज बूट नेक पिंच स्कर्ट ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगे। अगर फ्रेंड आप अभी भी मेरा चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सबसे पहले मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। पहले मैं पेपर में काट करके दिखाऊंगी किस तरह से काट करना है। ये ब्लाउज का फीस है, इससे मैं पिंच स्कर्ट बूट नेक ब्लाउज बैक साइड में नेक डिजाइन काट करना है। पहले में फेब्रिक में काट नहीं करना है, पहले में पेपर में काट करना है। ये ब्लाउज 34 साइज के हिसाब से काट करना है। तो मैं सिंगल पेपर काट करना है, तो पहले हम यहां से बैक पार्ट काट करना है। तो ब्लाउज के लिए लेन लेना है, ब्लाउज के लिए लेन 13 इंच और सिलाई के लिए 1 इंच ज्यादा एक्स्ट्रा लेना है, तो टोटल 14 इंच है। यहाँ से भी 14 इंच पर एक निशान देना है। शोल्डर लेना है 13 इंच और सिलाई के लिए इसका 1/2 इंच ज्यादा लेना है, तो 13.5 इंच लेना है। 13.5 इंच और यहां से 1/2 इंच डाउन करना है। 1/2 इंच और यहां से नेक लेना है 4 इंच। यहां से 3.5 इंच लेना है, यहां से 4 इंच जहां मैं 1/2 इंच का डाउन किया था, तो इसको इसके साथ मिला देना है। तो उसके बाद देखिए यहां से आर्मोल लेना है, आर्मोल लेना है 6 इंच और यहां से भी 7.5 इंच का एक निशान देना है। तो ये ब्लाउज 34 साइज के हिसाब से है, तो यहाँ से हम 8.5 इंच लेना है। 8.5 इंच और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 2 इंच ज्यादा लेना है। 2 इंच ये है 8.5 इंच। तो यहाँ से हम 1.2 इंच पर एक निशान देना है। तो इसको इस तरह मिलाना है। तो यहाँ 10.5 इंच है, तो यहाँ से और 1/2 इंच कम कर देना है, तो यहाँ से 9.5 इंच पर एक निशान देना है। तो ये दोनों पॉइंट को मिला देना है।
इस तरह मिलाया। अब देखिए यहाँ से 1 इंच और देना है, 1 इंच। यहाँ से 4.5 इंच पर एक और निशान देना है। यहाँ से 2.5 इंच लेना है। तो अभी क्या करना है, अब इसको हम डिजाइन बनाना है। तो हम अभी इसको काट कर लेना है। ये ब्लाउज बैक साइड से हुक रखना है। तो इसके बाद देखिए हम फ्रंट पार्ट काट करना है। यहाँ से कैसे हम फ्रंट पार्ट काट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, बैक पार्ट को इसका ऊपर रखना है। तो देखिए हम यहाँ से और 1 इंच ज्यादा लेना है, 1 इंच। यहाँ से 1 इंच ज्यादा लिया, 1 इंच, और इस साइड से भी 1 इंच ज्यादा लेना है, तो 1 इंच। उसके बाद देखिए इसको उठा लेना है। तो इसके बाद देखिए यहां से और 1/2 इंच कम करना है, 1/2 इंच। और इसके बाद देखिए बैक पार्ट से और 1 इंच ज्यादा लेना है, बैक पार्ट से। वन इंच ज्यादा लिया। तो इसके बाद देखिए क्या करना है, यहां से टैक्स पॉइंट लेना है। ये 34 साइज का है, तो इसलिए टैक्स पॉइंट हम 9.5 इंच पर लगाना है, 9.5 इंच, 9.5 इंच।
ये टैक्सपेन है। तो यहाँ से हमें एपेक्स पॉइंट लगाना है। तो एपेक्स पॉइंट किस तरह से लगाना है, 34 को 3 इंच डिवाइड करने से 3.4 इंच आता है। तो यहाँ हम 3.5 इंच पर लगाऊंगे, 3.5 इंच, और यहाँ से भी 3.5 इंच। तो यहाँ से 2 इंच लेना है, इस साइड 1 इंच और इस साइड 1 इंच। तो इसके बाद देखिए इसके साथ इसको मिला देना है। इसके बाद इसको मिला देना है। इस तरह तब यहाँ का जो एक और पॉइंट है उसको किस तरह से देना है, मैं उसको हम 5 इंच पर लगाऊंगी, 5 इंच। तो इसको इस तरह मिला लेना है। तो इसके बाद देखिए इसके साथ इसको मिला देना है। इस तरह मिलाया, देखिए इसको इस तरह से ड्राफ्टिंग किया। तो अभी हमें इसको काट कर लेना है। तो इस तरीके से काट किया। देखिए ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तबे हम इसके हिसाब से फैब्रिक में काट करना है। इस तरह टू फोल्ड कर लेना है।
तो हम इसको भी काट कर लेना है। पहले हम इसको नेक से काट करना है। उसके बाद बैक पार्ट को काट करना है। देखिए बैक पार्ट को किस तरह से काट करना है, तो इसको भी ठीक उसी तरह इस तरह मिला कर लेना है। तो इसको भी काट कर लेना है। उसके बाद देखिए हम यहाँ से स्लीव काट करना है। स्लीव का लेंथ हमें 10.5 इंच लेना है। और यहाँ से 10 इंच और सिलाई के लिए इस तरह 1.5 इंच ज़्यादा दिया। यहाँ से 8 इंच देखो बैक पार्ट को इस तरह से काट दिया। देखिए और ये स्लीव, ये 34 साइज पिंचेस का बूट ने ब्लाउज कटिंग पूरा कंप्लीट है। ये पहली में पेपर में काट किया, उसके बाद फैब्रिक में काट किया। अगर फ्रेंड मेरे आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और अभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फिर से मुलाकात होगा नए वीडियो के साथ अगला वीडियो में। थैंक यू।